सो गाइस किम तैयोंग ने इस चीज को फिफ्थ मस्टर्ड में शेयर किया कि कैसे उन्होंने बिग हिट यानी कि हाइप के साथ साइन अप किए। तो ये एक बहुत ही फनी स्टोरी है जो कि वी ने बताया है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइज, जब सोल में फिफ्थ मस्टर्ड हुआ था तो वहाँ पे किम तैयोंग ने इस चीज को शेयर किए थे कि कैसे उन्होंने बिग हिट यानी कि हाइप के साथ साइन अप किए। ओके, सो एज यू ऑल नो कि किम तैयोंग तो ऑडिशन देने के लिए गए ही नहीं थे, वो अपने दोस्त के साथ गए थे। ओके, सो जो बिग हिट के स्टाफ है उन्होंने वी को बोला कि क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं, लाइक आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो आप भी ऑडिशन दे सकते हो। सो वहाँ पे तैयोंग ने एक कोशिश की है एंड वहाँ पे वी ने ना उस ऑडिशन में डांस किए थे एंड ऑब्वियसली सिंगिंग भी किए थे। सो जो हाइप के स्टाफ है उन्होंने वी को बोला कि आप अगर इस ऑडिशन में पास हो जाते हो तो आप BTS में ज्वाइन हो जाओगे। एंड गाइस गेस व्हाट, वी के पास कॉल आया बिग हिट के साइड से एंड उस कॉल पे उन्होंने वी को बताया कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। एंड वी ने फिफ्थ मस्टर्ड में बताया, जब उन्होंने ये बात सुना ना तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गए थे। वी ने घर जाके इस न्यूज को अपनी दादी के साथ शेयर किए। एज यू ऑल नो कि किम तैयोंग अपनी दादी के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, वी कैन से की है अपने दादी की बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। सो किम तैयोंग की दादी माँ को लगा कि ये वी के साथ कुछ धोखा होगा, लाइक एज यू ऑल नो कि जो हमारे गार्जियन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंड यस, वहाँ पे जो किम तैयोंग की दादी माँ थी उनको लगा कि ये फेक कॉल है। सो गाइज, क्योंकि किम तैयोंग ऑलवेज अपनी दादी माँ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, सो जब दादी माँ ने बोला कि एक फेक कॉल हो सकता है तो वी ने उनकी बात को मान लिए थे। क्या आप लोगों को इस बात पर बिलीव होगा? यस, ये बिल्कुल सच बात है। एक्चुअली इस बात को खुद से वी ने फिफ्थ मस्टर्ड में बताया, एज आई टोल्ड यू। एंड गाइज, इतना ही नहीं, वी के जो पापा है ना उनको भी लगा कि ये एक फेक कॉल है एंड किम तैयोंग के साथ ना स्कैम किया जा रहा है एंड हाइब एक फेक कंपनी। एंड गाइज, तैयोंग के पापा ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे वी को कि जो 2AM है ना उसको JYP के साथ होना चाहिए, ना कि बिग हिट के साथ। ओके, मैं आपको बता दूँ कि 2AM, ओके, ये भी एक हिप हॉप बैंड था, एक कंपनी, तो ये एक बॉय बैंड है जिसने कि कुछ टाइम के लिए बिग हिट के साथ साइन अप किया था उस समय। सो गाइस, फाइनली बिग हिट कंपनी ने किम तैयोंग के पापा को कॉल किया एंड उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड बताया कि वो एक असली कंपनी है, ये कोई फेक कॉल नहीं है। उसके बाद वी ने बिग हिट के साथ साइन अप किया। सोचो, अगर बिग हिट कंपनी ने कॉल ही नहीं किया होता वी के पापा को तो आज क्या ही होता। सो गाइज, थैंक गॉड हाइप कंपनी को कि उन्होंने वी के फादर को कॉल किया एंड बताया कि हम एक असली कंपनी है। वेल, ये एक बहुत ही फनी स्टोरी है एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये बात पता थी या नहीं। आई थिंक आपने अगर फिफ्थ मस्टर्ड देखा होगा तो आपको ये बात पता होगा एंड अगर नहीं पता था तो आपका रिएक्शन क्या है। एंड यस, आप BTS हिंदी वाले चैनल पर भी जाके देख लेना। बाय, टेक केयर।